तो हेलो फ्रेंड्स, चलो लेक्चर नंबर आज 9 लेके आ गया हूँ मैं। तो चलो देखते हैं फिर। ब्रायो फाइटर एलगी ख़त्म कर चुके हैं हम लोग ज़बरदस्त तरीके से। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताना भाई, ठीक है। और चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो फिर मैं ब्रायो फाइटर, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं बहुत कन्फ्यूज़न हुआ होगा शुरू शुरू में पढ़े होगे, खासकर 11th वाले ड्रॉपर लोग को तो कम तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन हो रही होगी। तो बस देखते रहो भाई लेक्चर, हर क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लेना, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। तो ब्रायोफाइटा के बारे में तो देखो, जनरल जनरल बातें हैं ऐसे, उसमें क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, ऐसी कुछ जनरल जनरल बस बातें। इसके बाद फिर आगे देखेंगे फिर उसका सब जाइगोट वाइगोट ये सब। तो चलो फिर एल्गी देखो एक बार माइंड मैप के लिए, क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ मैं ये मेरा पेन। चलो ठीक, देखो ये जगह इसीलिए छोड़ूंगा भाई समझाने के। देखो एल्गी पढ़ चुके, एल्गी फिर ब्रायोफाइट्स, ये मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो, और फिर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद क्या आता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा एंजियोस्पर्म। एल्गी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़े थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सब पढ़े थे। अब ब्रायोफाइट में पढ़ेंगे लीवरवॉर्ट, मैं बोल रहा हूँ इसी लिख लेना, क्या इधर मिट जाएगा करके लिखते नहीं बन। लीवर और स्पेलिंग देख लेना, मोसेस, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को देखेंगे आगे, अभी इस पे फोकस करते तो ठीक है भाई। फिर ये तो अब हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बेफिक्र रहो यार, पूरा क्लियर कर दूँगा, अच्छे से क्लियर करूँगा, बस देखते रहना। देखिए हैबिटेट फाउंड इन अ सेरेड मॉइस्ट एरिया, ये सब जनरल बातें, इसको बस देखते रहोगे मतलब समझ लोगे, ऐसे इमेजिन करके बस याद रख लेना, ठीक है। तो मॉइस्ट सेरेड मॉइस्ट एरिया इन हिल्स, हिल्स में सेरेड मॉइस्ट मतलब छायादार, छायादार मॉइस्ट। अब मॉइस्ट वॉइस्ट सब के बारे में, तो इसके ये सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चलो ये क्लियर, ये पूरा देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर किया हूँ ना, एक एक लाइन आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन क्लियर किया हूँ भाई, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूरा एनसीईआरटी देता है, काहे इन लोग इतना आगे आगे का पढ़ाते हैं भाई इंस्टीट्यूट्स में, क्या पता। लेकिन ना एक सिर्फ एनसीईआरटी दिया है, और कुछ कुछ है उसको मैं इसमें कवर कर दूंगा, और कुछ कुछ के चक्कर में इतना आगे चले जाते हैं इंस्टीट्यूट में, क्या बताऊँ मैं। तो ठीक है चलो, एक एक लाइन है एनसीईआरटी का, एक रीडिंग मार लेना, रीडिंग मारने के बाद फिर बताना, कोई मिस थोड़ी ना हो अपॉइंट करके, ठीक है देख लें। तो चलो एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन मतलब जानते हो ना, पानी में वाटर में दोनों में, सॉरी पानी में और ज़मीन में दोनों में रहते हैं। देखो बिकॉज लिव इन अ सॉइल, सॉइल है ना SOIL, ठीक है, लिव इन अ सॉइल ना, चलो सॉइल बट डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिए, मतलब ये तालाब है तो तालाब में अपना गैमेट जैसे अपना जो मेल मेल गैमेट है उसको डालेगा, डालने के बाद वैसे तैरते तैरते जाएगा, तैरते तैरते जाने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा, वहाँ पर फिस करेगा, तो वाटर के बिना कुछ हो नहीं सकता, ऐसे सॉइल में रख देगा। आप ही लोग बताओ ये सॉइल है, ये सॉइल में ऐसे रख देगा तो चलेगा थोड़ी ना अपने आप, हाँ भाई बताओ ना इस कारण से, ठीक है। बोल रहे हो कि बकवास कर रहे हैं, लेकिन 11th वाले लोग के लिए सब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है भाई। तो इंटू 2 की स्पीड में देख लेना ड्रॉपर वाले, चलो ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, अब राइजॉइड, ब्रायोफाइट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो अब रूट स्टेम में सब, स्टेम में सब तो जानते हो ना, रूट जड़, तो देख जड़ जैसा ही होता है, पर जड़ नहीं होता ना इसमें, ट्रू जड़ नहीं होता, मतलब रियल वाला नहीं होता, बस जड़ जैसा रहेगा
और इस सबस्ट्रेटम के बारे में बताऊँ, अटैचमेंट जहाँ पर वो अटैच होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर सबस्ट्रेटम, अगर कोई चीज़ वहाँ अटैच हो रहा है, कोई सरफेस मान लो, उसको सबस्ट्रेटम बोल दी, तो बाय राइजोइड, ठीक है। तो ये राइजोइड के बारे में ज़्यादा बात नहीं, ये मल्टी सेल्यूलर और यूनि सेल्यूलर रूट ही मान लो, लेकिन रियल रूट नहीं है, रूट जैसा है बस, रूट लाइक, रियल नॉट रूट, ठीक है। चल ठीक, तो फिर देखते हैं थैलस लाइक बॉडी, बॉडी एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, ये सब तो एनसीईआरटी पॉइंट्स है। थैलस लाइक अ बॉडी, थाली जैसे, मतलब थाली जैसे ऐसा फैला हुआ, देखना ना ऐसे आप देखे होगे तो ऐसे फैला हुआ एक टू दिए ऐसा कुछ करके, ठीक। तो फैला हुआ थैली लाइक ब्रायोफाइट्स, अब इसके ब्रायोफाइट एक तो पॉइंट बना दिया हूँ मतलब बताने के लिए, जैसे लेक ट्रू रूट स्टेम एंड एंड लीव्स। देखो इसमें रहेगा जो स्टेम्स हैं, एक एक प्लांट कैसे रहता है, स्टेम, ये रूट, ये लीफ, ठीक है। बट जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसमें ये रूट है वो ट्रू रूट नहीं रहेगा, लीफ है ट्रू लीफ नहीं रहेगा, मतलब कि सही का नहीं रहेगा, रियल मतलब कि वैसा रहेगा, लाइक मतलब उसके जैसा, पर वो नहीं रहेगा, जैसे कि ट्रू रूट स्टेम और लीफ। तो जैसे रूट है, तो रूट है रूट के जैसा है, जैसे राइजोइड के बारे में बात की, रूट के जैसा है पर रूट नहीं है वो, ठीक है। और स्टेम, स्टेम भी स्टेम जैसा प्रोजेक्शन है पर रियल स्टेम इसको बोलेंगे नहीं, इसको हम बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलने का मतलब है हम इसको स्टेम है और लीफ है, लेकिन उसको हम जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ऐसा अपना रिसर्च विसर्च करके जितना भी ऐसे इसको बोलेंगे नहीं, ट्रू नहीं है करके, ये याद रखना, ओनली रूट स्टीम लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। जैसे नोट्स बनाते रहना है ना भाई, और एक मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, नोट्स बना। तो चलो मेन बॉडी, मेन बॉडी गेमिटोफाइट, देखो गेमिटोफाइट ये मेन बॉडी है मान लो, ये गेमिटोफाइट है, ठीक है। गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट है, दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन मारे हैं मैं जानता हूँ, गेमिटो फाइट और स्पोरो फाइट। गेमिटो फाइट क्या है, जो गेमिट गेमिट बनाता है। स्पोरो फाइट क्या है, जो स्पोर बनाता है, बस बात खत्म, ठीक है। और ये ठीक है, तो इसके बारे में, और हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड रहेगा, ये डिप्लॉइड रहेगा, ठीक है। तो जो इट प्रोड्यूस गेमेट, इसका अलग गेमेटोफाइट, और सेक्स, और सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखो मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन, देखो मल्टी सेल्यूलर रहेगा, लाइट के कारण दिख नहीं रहे फोकस, चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ, ऐसे करूँगा तो फिर आप लिख लेना, लिखने के बाद फिर ना। देखो सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा, मल्टी सेल्यूलर, एक मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। तो जैसे ये मेरा डस्टर जैसे बता दिए, ये कोई ये ब्रायोफाइट है मान लो, ठीक है, और ये अगर मेल है तो इसमें क्या रहेगा, एंथ्रीजॉइड, एंथ्रीडियम ये, और अगर ये फीमेल है, फीमेल, तो इसमें क्या रहेगा, आर्किगोनियम, ठीक है, ओ समझिए हो गया इतना भी हो, ठीक है। तो आर्किगोनियम, तो देखो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रीजॉइड, एंथ्रीजॉइड प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम लोग मेल हैं, हम लोग क्या स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, गेमेट्स में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीजॉइड,
बाई फ्लेजिलेट ये गैमेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आर्किगोनिया, आर्किगोनियम है वो प्रोड्यूस करेगा एक सिंगल ओवा, जैसे कि एग, जैसे कि फीमेल सिंगल ओवा रिलीज करते हैं वैसे ये फ्लास्क सेप करेगा, ठीक है। ये रिमेम्बर रखना, ये नीट में पूछा है, इसके बारे में और डिस्कस करूँगा तो अच्छे से बताऊँगा आगे। तो ये एंथीडियम से, उसके बाद फिर ये लाइट हटाया मैं, अब इधर देख लो, हाँ फ्लास्क सेव करके नोट कर लेना। अब चलते हैं फिर, ये देख लो फर्टिलाइजेशन, इसका आपको ये बताने के लिए कुछ मेन मकसद था मेरा, इसको मैं क्लीन करके आपको बताता हूँ बढ़िया से। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा लैंड में है ना, ये है एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब फिर देखना, ये मान लो कोई ये रिवर है मान लो, यहाँ पर है हमारा ये है आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है भाई। ये आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ भाई। तो ठीक है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, और ये हमारी ये फीमेल गैमेट, और जो मेल गैमेट है वो यहाँ से निकल के जाता है ना, वो यहाँ से निकला, दरवाज़ा खोला अपने घर का दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद ये रिवर में गया, रिवर में ऐसे बहाव के साथ 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 यहाँ गया, फिर इसके लिए ये दरवाज़ा खोलेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है लेकिन हमको ये सब पढ़ना नहीं है, बस ये ऊपर ऊपर से बताया है एनसीईआरटी में, उस हिसाब से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसको मस्त इमेजिन करके समझो, ठीक है। ये दरवाज़ा खोला भाई अपना घर का, गेट खुलने के बाद ये गेमेट, ये मान लो ये बाईफ्लैजिलेट गेमेट है, एंथ्रीडियम यू करता है करके बताया था ना, प्रोड्यूस कर, ये अपना घर का गेट खोला, खोलने के बाद ऐसे रिवर में गया, जाने के बाद बहाव इधर का है, जैसे फ्लोट होते 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 इसके अंदर अंदर गया, मतलब इमेजिन कर लो ऐसा। फिर यहाँ पर होगा हमारा ओवा, मान लो यहाँ पर होगा हुआ हुआ के जाने के बाद फिर इससे फ्यूज़ हो गया, फिर देखो समझ आ गया ना, चलो ठीक है। फिर इधर जाने के बाद यहाँ हुआ है मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा है, शुरू से समझा देता हूँ एक बार, ये हमारा है मेल गेमेट अपने घर का दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद ऐसे गया रिवर में बहाव इधर का है, इधर से ऐसे गया, जाने के बाद फिर यहाँ पर है हमारा ओवा मान लो, ये बीच में, ठीक है। अब ओवा से जाके फ्यूज़ कर गया, तो इसका एक दिख नहीं रहे तो इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है ओवा, ठीक है, ओ फीमेल गैमेट्स, ए मेल गैमेट इधर गया, जाने के बाद इसमें गया, इसे फ्यूज़ हो गया। तो फिर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, समझ तो आ जाएगा ना, फ्यूज़ हो गया करके आपको बताने के बाद ऐसे बता देता हूँ, फ्यूज़। और ये हमारा अभी वहीं पर है ना, कहीं पर है, मतलब कि ये है हमारा अभी वही फूल जो
कौन सा फूल था, फीमेल वाला फूल था, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो उसके अंदर गया, जाने के बाद फ्यूज़ हुआ, मतलब वहीं पर फ्यूज़ हुआ, तो इसको फ्यूज़न हुआ, ये जाइगोट बनाएगा। तो ये दोनों गए, जाने के बाद यहाँ पर फ्यूज़, ये यहाँ गया, जाने के बाद इससे फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने के बाद ये मान लो ये वही है ना, यही वाला फूल को बनाया हूँ, इमेजिन हुआ अच्छे से करके, ये बना दिया जाइगोट, ये जाइगोट बनाया। अब देखो ये लिख देता हूँ, देखो अब फिर जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करेगा। और ये जो चीज है, गैमेट बनाया, ये गैमेट बनाया, इसको क्या बोलेंगे, गैमेट बनाया, क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। यहाँ पर भी गैमेट बनाया ना, इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, गैमेटोफाइट हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो क्लिक तो क्लियर हो रहा है ना भाई। अरे यार फोकस बिगड़ रहा है, दो मिनट तो सॉरी भाई, वो थोड़ा परेशानी हो रहा था फोकस का, बस मेंटेन कर लो भाई थोड़ा सा, बस ये क्लियर कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ये फोकस के कारण कुछ समझ नहीं आया, तो ये गैमेट प्रोड्यूस किया, तो इसको गैमेटोफाइट बोल दिया, ठीक है। ये गैमेट प्रोड्यूस करी, मतलब लड़की है की, ठीक है, ऐसा ऐसे में क्या समझने में आसानी होगा, फोकस हो गया ना। ये गैमेट प्रोड्यूस की, मतलब लड़की है, ठीक है, तो ये हाँ मतलब वो तो जानते हो, ठीक। तो फिर ये गैमेट, तो ये गैमेटोफाइट हो गया, फिर ये भी गैमेटोफाइट हो गया, वही लड़की का ही तो है, उसके अंदर ही तो ये जाइगोट बना, तो जाइगोट बना। बनने के बाद इसको क्या बोलेंगे, गैमेटो, क्या गैमेट लिख दिया मैं, बस राइटिंग वाइट राइटिंग बोलता हूँ, स्पेलिंग स्पेलिंग को देख लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना, क्या जल्दी जल्दी में कुछ भी उल्टा सीधा भी ई के जगह ए के जगह हो, ऐसा ऐसा हो सकता है, इस कारण से अपना थोड़ा देख लेना, ठीक है। गैमेटोफाइट हो गया। अब उसके बाद एनसीईआरटी में क्या किए हैं, क्या बोला है, ये जो जाइगोट है वो डायरेक्ट इमिडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, मतलब तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, तुरंत मियोसिस रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। तो देखो ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सबको देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो इसको मैं एक अच्छे से, इधर क्या है कचरा टाइप का हो गया, तो अच्छे से मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक बार। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर थोड़ा अच्छे से बस देखते रहना ना। ये है ये फ्लावर वॉल को नहीं बनाता, बस एक तो फ्लावर बना देता हूँ, एक जो बना था वो ना, ठीक है। यहाँ पर ये ओवा है, मान लो ये ओवा है ना, लिख ही देता हूँ भैया, ओवा एक एक जो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, करके एनसीईआरटी में भी लिखा है, ठीक है। उसके बारे में बता दें, पूरा एनसीईआरटी का एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ ईजिली, ये सबको समझ आए, ठीक है। ये फ्लावर है मानो, जैसे रिवर में था ना, ये कहाँ है, रिवर में, ठीक है। और ये हमारा जो मेल गैमेट, गैमेट कहाँ से आया, लैंड वाले से, ये सब तो पता है ना, ज़्यादा आप लोग भी बोल रहे ज़्यादा बकवास मत कर कर, ठीक है। ये यहाँ से है, ये फ्यूज़ हुआ, इसके फ्यूज़ होने के बाद फिर एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये आया, ये यहीं पर रहेगा, फ्यूज़ जो होने के बाद भी ये इसके अंदर में ये जाइगोट बन गया, ये रिवर ही में है ना, रिवर में ही है, ठीक है। ये बना जाइगोट, अब ये जाइगोट,
दिस जैव कोट नॉट नॉट परफॉर्म रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस. ठीक है भाई, ये बोल रहा हूँ समझ लो. रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस, नॉट परफॉर्म परफॉर्म रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. ठीक है, बोल रहा हूँ उसको समझ लेना. स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा होगा तो मतलब राइटिंग समझ नहीं आ रहा. ठीक है, नॉट इमीडिएटली मतलब ये तुरंत ना, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद ये सब है, ये डिवाइड डिवाइड करने के बाद एम्ब्रायो नहीं बनाएगा. ठीक है, तो इसमें इमीडिएटली नहीं करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा अब उसको देखते हैं. जाइगोट है, इसके बारे में है, ये नोट कर लेना. अब उसके बाद फिर देखो, ये जाइगोट यहाँ पर, चलो वैसे लेंगे फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी, आपको बताया था इसके बारे में कि ये जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसको स्पोरोफाइट. तो ये बनाएगा, ये जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा, ये जाइगोट ही बनाएगा ना, है ना, फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट. तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये जाइगोट था वो बनाया कुछ स्पोरोफाइट ऐसा टाइप का. ठीक है, दिखा तो ये स्पोरोफाइट. अब इसके अंदर में स्पोरोफाइट बना दिए थे, आपको समझ आ गया होगा. ये है हमारा गैमेटोफाइट, और ये है हमारा स्पोरोफाइट. ठीक है, इतना मतलब देखो भाई, इधर कचरा तो हो गया है लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा होगा, इतना तो मेरे को पता है. ठीक है, तो ये बनाया, ये जाइगोट से बना. फिर बनने के बाद सभी जाइगोट इधर आ गए, समझ लो यहाँ पर है. ठीक है, फिर यहाँ से ये रिडक्शन डिवीज़न करेगा. तो इसको मिटा देता हूँ, जो आपको बताया हूँ. एक अच्छा से इसका भी डायग्राम बना देते हैं. हाँ भाई, थोड़ा अच्छे से इसको सजा सजा के बना लेना, बस मेरे से तो हो नहीं पा रहे हैं. ये हमारा, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ है, मान लो ये जाइगोट है, मतलब ये स्पोरोफाइट है, ये आपको बता चुका हूँ. और ये हमारा गैमेटो फाइट. ठीक है, मतलब ये लैंड है ऐसा कुछ, ए रिवर के में था ना, तभी रिवर ही में है, बाहर नहीं आया. तो फिर चलो, इसके बाद फिर ये हमारा क्या करेगा, अब करेगा रिडक्शन डिवीज़न. रिडक्शन डिवीज़न TION है ना, इसका मतलब. ठीक है, रिडक्शन डिवीज़न मतलब मियोसिस. स्पेलिंग देख लेना भाई. ठीक है, मियोसिस करेगा. मियोसिस करने के बाद फिर ये हमारा, ये कुछ स्पोर्स बना देगा. फिर स्पोर्स, ये स्पोर्स जाएगा कहाँ जाएगा, लैंड्स में जाएगा.
जाने के बाद फिर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद गैमेटोफाइट बना देगा, फिर बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। टाइम तो लग गया, खैर तो ओवरव्यू देने के लायक नहीं है मेरा ये तो मेरे हिसाब से समझ ही होगी। एक बार ऐसा देख लो, एक बार कोशिश करता हूँ बताने का। ये ओवम ओवम और ये हमारा मेल गैमेट आया, आने के बाद फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनाया। कहाँ पर बनाया है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी के अंदर ही रहेगा ना ये जाइगोट। जाइगोट इमीडिएटली डिवीजन नहीं करता, ये देखो मिल भी गए अभी तक की काट का है रहा हूँ। ठीक है ये तो आपको लिख लिए होगे तो ठीक है भाई, नहीं लिखे होगे तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है तो इमीडिएटली जाइगोट नहीं बनाएगा, क्या करेगा सबसे पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। जाइगोट क्या करेगा? स्पोरोफाइट बनाएगा जो मल्टी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, स्पोरोफाइट बनाएगा। इसको बनाने के बाद ये स्पोरोफाइट यहाँ से ये रिडक्शन डिवीज़न करेगा, म्यूसिस। म्यूसिस करने के बाद फिर स्पोर बनाएगा, स्पोर बनाने के बाद फिर वो स्पोर लैंड में जाएगा, लैंड में जाने के बाद फिर हमारा ग्रो करेगा। ठीक है ग्रो मतलब बढ़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद गैमेटोफाइट बना देगा, फिर गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर अपना ये साइकिल अपना चलते रहेगा। तो ये साइकिल है, एक माइंड में रख लो, इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ख़त्म हो गया, मतलब क्लियर हो गया अच्छे से आपको। और एक और बात स्पोरोफाइट के बारे में, गैमेटोफाइट के बारे में तो अच्छे से बात कर दीजिएगा, स्पोरोफाइट के बारे में बात नहीं की। स्पोरोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है और देखो ये हमारे कहाँ पे था, नॉन फोटोसिंथेटिक, स्पेलिंग देख लेना, नॉन फोटोसिंथेटिक। सो फोटोसिंथेटिक नहीं करेगा, ये डिपेंडेंस रहेगा किस पे, डिपेंडेंस ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि हमारा गैमेटोफाइट है जो सब फूल बनाया था मैं, उसी को तो गैमेटोफाइट ही बोलेंगे ना। अब उसके ऊपर ये उगा है, एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको बढ़िया से। ठीक है बस समझो, देखो उसके ऊपर ये उगा है, यही तो है ना हमारा स्पोरोफाइट, ये उसके ऊपर उगा है भाई। तो ये पूरा नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा, ये क्या गैमेटोफाइट। तो डिपेंडेंस ऑन गैमेटोफाइट बोलने का मतलब गैमेटोफाइट नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, तो गैमेटोफाइट पे ही जो तो डिपेंड हुआ ना, समझ गया ना। ठीक है पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का कवर हो चुका है, आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं। डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट और डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट PROVI प्रोवाइडेड, स्पेलिंग भी थोड़ा ढंग से बनाता हूँ ना फिर आप लोग भी गाली दोगे। नरिशमेंट फ्रॉम गैमेटोफाइट। ठीक है ये बस इतना पॉइंट है, इतना पॉइंट इसके बारे में देख लिए तो ये सब ख़त्म हो गया। ये मतलब ये बेसिक इसका ख़त्म हो गया, एक ओवरव्यू बन चुका। हाँ भाई क्या है, ऐसा है, ऐसा कुछ है करके, फिर चलो आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये देख लो भाई, आप लोगों को तगड़ा सा एक ओवरव्यू बना के दे चुका हूँ। ठीक है जो इधर उधर था ना कचरा टाइप का उसके, लेकिन वो समझने के लिए बहुत अच्छा था ना, बस समझने के लिए उसको देखना। उसके बाद फिर ये अपना क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ओवरव्यू माइंड में रखना। ठीक है ये देख लो भाई, ये है तगड़ा। ठीक है इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स बना लो अपना, जो करना है करो।
चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटाने के बाद, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई। चलो ठीक है, अब आते हैं कुछ, अब एनसीईआरटी के बाद इसमें कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में दिया है, इसको भी निकाल देते हैं। हो गया फर्टिलाइजेशन ख़त्म इसका, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में दिए हैं। देखो भाई मैं तो इसको होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को, काहे कि भाई ऐसे पढ़ोगे तभी तो सीखोगे ना। तो एक बार रीडिंग मारना, एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं एक बार एनसीईआरटी ला के आपको दिखा देता हूँ, या फिर मैं ये बता देता हूँ, लेकिन आपको एक बार पढ़ना है इसको अच्छे से, ठीक है। ये तो देख लो एक बार अच्छे से, ये है ना ये ऊपर वाला। चलो देखो ब्रायोफाइटा के बारे में, इसका एक आप अच्छे से नोट्स बनाना, ये होमवर्क है मेरा, ठीक है। होमवर्क दिया भाई, क्या है होमवर्क, जो पुराना जैसा पढ़ाई है ना भाई वो अभी नहीं होता, लेकिन मैं पुराना जैसा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ब्रायोफाइटा इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है उसका, ठीक है। बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, हर्बेशियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मोसेस ये है मोसेस, ये जिसमें आता है फुनेरिया, देखो जिसमें आता है अपना फुनेरिया आता है, ठीक है, और स्फेगनम आता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये सब, ये जो मोसेस अभी देखे वो किसके लिए, हर्बेशियस एनिमल, हर्बेशियस मैमल। मैमल में क्या आता है, जैसे गाय भैंस, ये सब कुछ खिलाने के लिए, वो बर्ड्स भी खाते हैं उसको, और कुछ एनिमल्स भी, जैसे हमारा गोट वोट ये सब कुछ हो गया, ठीक है सब। तो स्पीसी ऑफ स्फेगनम मोसेस प्रोवाइड स्फेगनम के बारे में, ठीक है। तो देखना मैं यहीं पर बताते चलो कि आपको, और अच्छा हो जाएगा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर स्फेगनम के बारे में बात कर रहे थे, मोसेस प्रोवाइड पीट्स एंड हैव अ लॉन्ग बीन यूज एज द फ्यूल एंड अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ अ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये सब कैपेसिटी के कारण इसको इसमें यूज़ करते हैं हमारे ट्रांसशिपिंग मतलब वो मटेरियल का आना जाना, जैसे टीवी फ्रिज, जैसे हमारा टीवी फ्रिज कूलर है उसको लाने में, जैसे टीवी, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कुछ अच्छा चीज़ है जो डैमेज मत हो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। आपको इजी तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो पीट्स, प्रोवाइड पीट्स, तो ये पीट्स मतलब पता है नहीं पता, बता देता हूँ, कुछ नहीं कोई बात नहीं। देखो ये ना फ्यूल के टाइप काम आता है, फ्यूल, इसको सुखाएंगे, क्या करेंगे, स्फेगनम लिए, स्फेगनम लाए, लाने के बाद सुखाए, सुखाने के बाद जो जलाएंगे ना, जलाएंगे तो जैसे लकड़ी जलता है ना वैसे जलता है, इसीलिए यूज़ सब पीट मतलब फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके समझ लो। इसका नोट्स बनाना, ये होमवर्क है, मैं नहीं बनाऊँगा, आप बनाना तो मेरे को बताना, मतलब दूसरे दिन कमेंट करना, हाँ मैंने नोट्स बनाया, और फ़ोटो भेजना भाई, ठीक है। देखो तो मोसेस बिलोंग एलोंग विथ लिचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर अ ग्रेट ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अब देखो अब इसका मतलब क्या है, जो मोसेस है, लिचेंस के साथ, लिचेंस मतलब तो जानते हो ना, जो फंगी और एल्गी का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब सिम्बायोटिक मतलब एल्गी है हमारा, ये एल्गी, देखो ये एल्गी और ये हमारा फंगी,
एल्गी और फंगी दोनों आके जुड़े। जुड़ने के बाद ये एल्गी है ना, ये देखो ये ब्लैक कलर का एल्गी मान लो, अरे फंगी मान लो, ठीक है। ये इधर आके ऐसे गए, जाने के बाद ऐसे इन लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो ये एल्गी है, ये एल्गी है इसके लिए काम करेगा और ये फंगी है इसके लिए काम करेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये है, ये इसको क्या बोलते हैं, खाना ला के देगा, ये नहीं, ये एल्गी है ना, सॉरी, ये हमारा फंगी, फंगी इसको, ये फंगी एल्गी को, ये एल्गी है, तो ये फंगी एल्गी को खाना ला के देगा और ये एल्गी इसको जगह देगा रहने का, बस ऐसा करके, ऐसा करके हम लोग का ऐसे सीन से रहता है। तो उसको लीजेंस, तो ये सब जो बेयर रॉक, जैसे कि जैसे मार्स, मार्स का फोटो तो देखे होगे ना, मार्स जो प्लेनेट वाला मार्स, ठीक है, MARSH मार्स, मार्च सो MARS मार्स, अरे वो थोड़ा बोलने में आ रहा, जानते हो ना, अच्छा चलो ठीक है, चलो छोड़ो उसको, ठीक है। मार्स, मार्स को देखे होगे जो वो प्लेनेट वाला मार्स, तो उसमें क्या है, होता क्या है कि जो पत्थर पत्थर है, पत्थर पत्थर टाइप का, तो वहाँ जगह आपको कहीं देखे होगे कि प्लांट नहीं दिखने मिलता, और फिर धीरे धीरे प्लांट आता है, तो किसके कारण आता है, लीचेंस पहले जाएगा, जाने के बाद फिर वहाँ रहेगा। देखो लीचेंस एकदम छोटा छोटा रहता है एलगी, और उसके बाद फिर फंगी भी रहता है, फंगी बहुत काम करता है कि उसको फूड ला के देता है, ठीक है। तो इसका काम बन जाता है भाई रहने का, फिर ये रह रह के वहाँ पर रहते 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 जो सॉइल रहता है ना, उसको जो मतलब वो पत्थर था उसको ना डिग्रेड करते करते, मतलब तोड़ते 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 सॉइल बना देता है। सॉइल बनाने के बाद फिर धीरे से फिर कोई दूसरा पेड़, मतलब कि पौधा उग जाएगा, फिर दूसरा, फिर पौधा पौधा ऐसे करते करते बड़ा सा पेड़ उग जाता है। धीरे धीरे अपना पेड़ उगते उगते वहाँ पर एक कॉलोनी बन जाती है सब प्लांट व्लांट की, तो ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, मतलब धीरे धीरे बन रहे, ठीक है। कुछ नहीं था, फिर आया ऐसे करके, ठीक है। इसके बारे में और आगे, तो ये कॉलोनी एनहेंस ग्रेट और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सब्सटेंस सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ये भी बताया आपको, वही डिकम्पोज करते हैं रॉक को, तोड़ते हैं वही सब, है ना। हेंस मोसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन अ सीड, सीड में एक मेट टाइप का, मेट मतलब वो बोलते हैं उसको, ये तो उसको जान रहे हो गया, रहा ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मेट, मेट जैसे ऐसे बिछ जाएंगे, ठीक है, बीच चादर जैसे ऐसे बिछे जाएंगे, जैसे कई ठो एलगी देखे हो गए आप लोग कहीं सॉइल में, तो देखना ऐसे चादर टाइप का बिछे रहते हैं, वो इसी मोसेस भी बिछे रहेगा, है ना। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर के लिए, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सॉइल इरोजन को रोकता है। जैसे मान लो हवा आया, हवा आने के बाद फिर जो सॉइल का छोटा छोटा पार्टिकल है, धीरे धीरे छोटा छोटा पार्टिकल उड़ते 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 पूरा सॉइल खाली हो जाता है, सिर्फ पत्थर बचता है। अब पत्थर में थोड़ी भाई जो अच्छा अच्छा पेड़ है, मतलब पेड़ है, पौधा है, जैसे अब आप बताओ करेला का उग जाएगा क्या, बताओ उसमें। अब लीचेंस है जो आपको बताया वो उग जाएगा, और कुछ मोसेस वोसेस है ये उग जाएगा। तो ये हमारा मोसेस आता है, मोसेस आके वहाँ पर कारपेट टाइप का बीजिए, जिससे जो सॉइल है वो निकलेगा नहीं, मतलब उड़ेगा नहीं, तो बढ़िया सॉइल रहेगा। धीरे धीरे और सॉइल आते जाएगा, मतलब कि डिकम्पोज करते जाएगा लीचेंस उसको, सॉइल को, धीरे धीरे और सॉइल बढ़ते जाएगा, फिर इतना मिट्टी आ जाएगा कि जो हमारा करेला का अगर पेड़ उगाना है हमको तो उग जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है। इतना में समझ आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। तो फिर इसके बाद फिर देखते हैं, तो ब्रायोफाइट आर डिवाइड इन लीवर वोट्स एंड मोसेस, अब इसके बारे में बात कर लेंगे, लीवर वोट्स और मोसेस के बारे में। मैं तो बोलता हूँ इसका एक और लेक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसका एक और लेक्चर बनाऊँगा, मतलब बनेगा, तो मैं इसको इसी में कम्प्लीट नहीं कर सकता था कि लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, ठीक भाई। अच्छे से पढ़ना बस, इसके ये नोट, ये आपका होमवर्क है, इसको करना, और बता रहा हूँ पूरा क्लियर कर दूँगा भाई, एनिमल की या प्लांट की एकदम, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगा, बस लगे रहना मेरे साथ, और बढ़िया भाई पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।